गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फोर सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर फोर से हम बातों नहीं कहूँगा, उसके आधी स्टोरी हम आज फिनिश करेंगे। क्या हुआ था? कौए ने हंस से शर्त लगा दी कि मैं आपसे अच्छा सौत की उड़ान उड़ सकता हूँ बिना रुके हुए। तो एक हंस ने बोला कि मैं अभी आता हूँ। हंस और कौआ दोनों उड़ चले। एक हंस ने अपने साथियों से कहा कि मैं अभी आता हूँ, फिर दोनों ने शर्त लगाई थी इसलिए दोनों उड़ चले। कुछ दूर उड़ने के बाद कौवे ने हंस से कहा, आप मेरी उड़ान देखते चले। कुछ दूर तो उड़े दोनों, फिर कौवे ने हंस से क्या कहा कि आप मेरी उड़ान देखते चले। इस पर हंस ने बड़े प्रेम से कहा, आप अपनी उड़ान का प्रदर्शन करते चले, मैं देख रहा हूँ। कौवा अपनी उड़ान दिखाता उड़ता चला जा रहा था। चार पाँच मील उड़ने के बाद कौवा थक गया। चार पाँच मील तो उड़ गया मस्त तरीके से वो, लेकिन वो फिर थक गया। लेकिन हंस ने कह नहीं पा रहा था, हंस से कुछ कह नहीं पा रहा था, मैं थक गया हूँ। कौवे ने नीचे देखा तो बहुत बड़ी झील दिखाई पड़ी। कौवे ने क्या देखा? झील पानी से भरी हुई। उसे लगा कि वह उड़ते उड़ते झील में गिर जाएगा। थका था बहुत, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसको क्या लगा कि अभी मैं झील में गिर जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। उसके पंखों की गति कम हो गई, परंतु हंस पहले की तरह ही उड़ रहा था। कौवा थक गया, उसकी उड़ने की गति धीमी हो गई, लेकिन हंस तो उड़े ही जा रहा था। कौवे ने हंस से कहा, मुझे बचाओ, मैं अब बिल्कुल नहीं उड़ पाऊंगा। क्या हुआ कि मुझे अब बचा लो, मैं बिल्कुल नहीं उड़ पा रहा हूँ? हंस ने कहा, अभी तो आपने 100 प्रकार की उड़ानें दिखाई नहीं। हंस ने क्या कहा? वो कौवा फेंक रहा था ना कि 100 प्रकार की उड़ानें दिखाऊंगा, तो क्या बोला आपने? वो तो उड़ान अभी दिखाई नहीं मुझे। कौवे ने कहा, मैंने आपके साथ उड़ने की बात करके बड़ी भूल की, मेरा तो यह शरीर सिर्फ जूठन खाकर ही बना है। कौवे ने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैंने आपसे उड़ान करने की बात करी थी, वो बड़ी भूल कर दी मैंने। मैंने यह नहीं सोचा कि अन्य पक्षी भी अच्छा उड़ सकते हैं। आप मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं किसी से भी बेकार की बहस नहीं करूँगा। उसको सबक मिल गया हंस से मुकाबला करके। ये स्टोरी हमारी फिनिश होती है। अब है शब्दार्थ। चालाक तो यानी चतुर, सेहत यानी स्वास्थ्य, रोब यानी प्रभाव, तारीफ प्रशंसा करना, बेकार यानी व्यर्थ, बहस यानी दलील, डिंगे मारना बड़ा चढ़ाकर बोलना, स्वभाव प्रकृति, छल कपट धोखा, दंभ घमंड, तुलना यानी मुकाबला, योजन यानी दूरी की एक माप, हिम्मत साहस, शर्त यानी बाजी, प्रदर्शन यानी दिखावा, झील यानी प्राकृतिक सरोवर, गति यानी वेग, भूल यानी चूक, जूठन यानी जूठा। अब उसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।